आज जस्टिस वकास रऊफ साहब की अदालत में जनाब सरदार साहब राजिक साहब ने बड़ा जबरदस्त केस लड़ा, जिसमें कोर्ट ने मतरूका वफ अमलाक को हदायत की है कि लाल हवेली का जो हमारी मलकियत है उसका रास्ता नहीं रोका जाएगा और वसील खत्म होगी और हमें आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। और सरदार राजिक साहब ने बाकी जो इसके मलिका प्रॉपर्टी के केसेस हैं उसके बारे में 15 दिन के अंदर अंदर एवैक्यू फैसला करेगा। जहां तक लाल हवेली है वो आज हमें इजाजत मिल गई है कि वो हमारी मलकियत है और वो 5 मरले जो हमारी मलकियत है उसमें हम बड़ी आसानी से और अपनी मर्जी के मुताबिक उसी तरह रह सकते हैं और उसी तरह सारे काम कर सकते हैं। मैं अदलिया को भी सलाम पेश करता हूं और सरदार राजिक साहब का भी जाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। आए लाल हवेली, दिन के उजाले में आए। अगर यहां कोई नुकसान हुआ मैं मशकूर हूं, मैं रेंजर्स को और एफसी के जर्नैलों को दोनों मेरे भाइयों की तरह मेरे साथ उन्होंने काम किया है, सलाम पेश करता हूं। एफआईए वाला इधर आए ना कोई, एफआईए के किसी आदमी ने लाल हवेली की टेरिटरी में कदम रखा तो हम आईनी और कानूनी अपना हक इस्तेमाल करेंगे। हमें अपनी जाती जदाद में दखल अंदाजी का दिफा करने का हक हासिल है। हम किसी से लड़ने नहीं चाह रहे, ये बहाने ढूंढ रहे हैं। अभी हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। मसला क्या है जनाब, अगर ये हमारी नहीं है तो हम कौमी मुजरम हैं। हमें नाअहल करार दिया जाए, हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी जाए कि जनाब ये काबिज हैं, आधे मरले की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी पता नहीं आधा मरला बनता है कि नहीं बनता, आप लड़ लें। ये आसफ नामी आदमी जो है ये फ्रंट मैन है राना सनाउल्ला का और ये मसले पैदा कर रहा है, इस शहर को ब्लॉक करना चाहता है। हम अभी चाहें तो अभी ये शहर ब्लॉक हो सकता है और अभी सारी दुकानें बंद हो सकती हैं, अभी हम मरी रोड ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये मलबा खुद आप पे गिरने जा रहा है। इमरान खान काल नहीं भी देगा, भूख और महंगाई और बेरोजगारी से तंग लोग खुद सड़कों पर होंगे। ये लाल हवेली को निशाना बनाना चाहते हैं जनाब। हम बिस्तर यहां लगाएंगे बाहर दरवाजे पे, यहीं सोया करूंगा और यहां से फिर मैं हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज तो मैं 5 बजे कर रहा हूं, हाईकोर्ट जा रहा हूं, फिर हर रोज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आपका पोस्टमार्टम करूंगा। आपके जो गंदे कपड़े आप बेचने चाहते हैं, यहां लंडा बाजार लगा है, वहां शहबाज शरीफ के नाम पे वो कपड़े बेचेंगे, आप घबराए नहीं। और आए आप में हिम्मत आया तो ये ताले लगा दें, लगे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। असल इनको तकलीफ ये हो गई है कि परसों बरतानिया की 3 कंपनियां धनराज और लाल हवेली पे फिल्म बनाना चाहती है, जो इनको बर्दाश्त नहीं है, और लाल हवेली तारीख का एक हिस्सा है। इंशाल्लाह ताला जुल्म के खिलाफ हक की आवाज, गरीब की आवाज और काला काला रसूल अल्लाह का आलम बुलंद करेगी। हमारी जान जाती है चली जाए। देखें, हम जिस कोर्ट में गए थे उस कोर्ट ने कहा कि हम इंटाइटल नहीं है, आज हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अपनी पूरी आईनी और कानूनी हक को इस्तेमाल करेंगे। पंद्रह तारीख है डार साहब उसकी। देखें, मैं पहले भी जियो में आपको इंटरव्यू में ये कह चुका हूं कि 15 तारीख को ये केस लगा हुआ है, हमारे पास ऊपर वाला एक पोर्शन है, इसमें 19 लोग और रहते हैं। ये कहना कि सारी लाल हवेली हमारे पास है ये सरासर ज्यादती है, ये 20 लोग हैं, 20वें हम हैं। ये कहते हैं हमारे पास 3.5 मरले हैं, हम कहते हैं हमारे पास 4.25 मरले हैं, ये है लड़ाई जी। शेख साहब, आपके रजिस्ट्री कितने मरले की मौजूद है? मैं इमरान खान का लाल हवेली का बयान देने पर और अरशद उमर का दोनों का शुक्रिया और कोर कमेटी का अदा करता हूं। इंशाअल्लाह ताला
बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन लड़ाई का जज्बा खत्म नहीं हुआ, बूढ़े की स्ट्रोक नहीं सही जाएगी आपको। शेख साहब आसिफ मोहसिन नकवी